नमस्कार, यू आर वेलकम टू सुपर्नल साइंस बाय मी आर के शर्मा, योर लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे डॉजिंग। अभी आप किससे पूछेंगे आपको डॉजिंग आती है, तो सीधा वो बोलेंगे हाँ मुझे डॉजिंग आती है, और वो केवल और केवल बात करेंगे पेंडुलम डॉजिंग। जैसा आप जानते हैं कि डॉजिंग का अर्थ क्या होता है, DOWSE, डॉज मीन्स पता करना, एंड टेक्निक डॉज इज कॉल्ड डॉजिंग, पता करने की टेक्निक को बोलते हैं डॉजिंग। और ये पता करने की टेक्निक में कई प्रकार के टूल्स यूज होते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर टूल है, उसे बोलते हैं पेंडुलम। तो इसका नाम हो गया पेंडुलम डॉजिंग, मीन्स पेंडुलम के द्वारा डॉजिंग करना, पेंडुलम डॉजिंग। लेकिन पेंडुलम डॉजिंग डॉजिंग का एक पार्ट है, ऐसे और भी डॉजिंग होते हैं। और कौन कौन होते हैं, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पेंडुलम डॉजिंग से। ये मेरा डॉजर बॉक्स है, आप देखें, ये है जामुन की लकड़ी का बना हुआ डॉजिंग। जामुन की लकड़ी का नाम हम क्यों ले रहे हैं, देखिए डॉजिंग हर कोई करते हैं, आप भी डॉजिंग करते होंगे, लेकिन एक्यूरेसी कितनी आती है ये मैटर करता है। डॉजिंग में, डॉजिंग की एक्यूरेसी में ये जामुन की लकड़ी का पेंडुलम बड़ा एक्यूरेट आता है। यह है जामुन की लकड़ी का बना हुआ पेंडुलम। अभी हम बात कर रहे हैं पेंडुलम टॉर्च। और होते हैं, मैं दिखाता हूं, ये है प्योर चांदी का बना हुआ टॉर्चर, सिल्वर पेंडुलम टॉर्चर, चांदी का। इसे आप खुद भी बना सकते हैं। इससे अधिक एक्यूरेसी आती है, क्यों आती है, आप सभी जानते हैं चांदी को केमिस्ट्री में Ag कहते हैं, और ये बड़ा अच्छा सुचालक होता है एनर्जी का, करंट का, विद्युत का। तो आपको मैंने दो दिखाया, जामुन का डॉजर और ये चांदी का डॉजर। आगे हम बात करते हैं रुद्राक्ष का डॉजर। आप सभी को पता है रुद्राक्ष बहुत ही अच्छे होते हैं, तो यह है रुद्राक्ष का डॉजर, इससे भी डॉजिंग की एक्यूरेसी अच्छी आती है। नेक्स्ट क्रिस्टल डॉज, ये है सेवेन चक्रा पेंडुलम, सेवेन चक्रा पेंडुलम, राइट, आप देख पा रहे होंगे सेवेन चक्रा पेंडुलम। ये है जनरल मेटल पेंडुलम, ये किसी का भी हो सकता है, ये नॉर्मल, ये दोनों देख रहे हैं नॉर्मल मेटल के डॉजर है, राइट। तो आपको मैं दिखाऊं, ये जामुन का डॉजर, ये चांदी का पेंडुलम, रुद्राक्ष का पेंडुलम, क्रिस्टल का पेंडुलम, ये मेटल का पेंडुलम। तो इतने प्रकार के पेंडुलम अभी मैंने दिखाया, जामुन की लकड़ी का, चांदी का, रुद्राक्ष का, सेवेन चक्रा, क्रिस्टल का, मेटल का। ये सारे हैं पेंडुलम है, और ये डॉजिंग का एक प्रकार, इसलिए इसे हम कहते हैं पेंडुलम डॉजिंग। लेकिन डॉजिंग में केवल पेंडुलम डॉजिंग ही नहीं होती है, और क्या होता है, आज इसी की हम चर्चा करने जा रहे हैं। और ये देखिए, आज ना आ गया ये मेटल का इतने एडवांस, ये देखिए सबसे पहला आप जो देखेंगे लिखित इतिहास में जिसका है वो ये है लकड़ी, राइट, देख पा रहे हैं ना, सबसे पुराने जमाने का आप देखेंगे फोटोग्राफ, लकड़ी से ही डॉजिंग किया करते थे, राइट।
वाई डॉजर इसे कहते हैं, वाई बना हुआ ना वाई, ये है सबसे पुराना देखेंगे आप लकड़ी का डॉजर। मैं आगे पूरा बताऊंगा अलग कोर्स में कि इस लकड़ी से कैसे डॉजिंग करते हैं, इसका यूज क्या था। पानी, देखिए आज ना आसान हो गया भाई, आप बोरिंग करवा लीजिए, पहले कुआं आप खोदे, पानी निकला ना निकला कितनी मुश्किल वक्त थी, तो कुआं खोदने से पहले इसका यूज करते थे कि कहाँ पर वाटर का प्रॉपर लेयर है या नहीं है, ये है वाई डॉजिंग। अब इसके बाद ये देखिए एल रॉड डॉज, ये दो रॉड होते हैं, हाँ इसको दोनों हाथ में पकड़ के चेक करना पड़ता है, इसे बोलते हैं एल रॉड डॉज, सिंपल कॉपर के वायर एल रॉड, इसे कहते हैं एल रॉड। देखिए एल है ना एल शेप का, इसलिए कहते हैं इसे एल रॉड, ये हो गया एल रॉड डॉज। और देखिए बॉबर, इसे कहते हैं बॉबर, ये देखिए आप, ये है बॉबर, बॉबर ऐसे हाथ में पकड़ के रिमूव कर रहा है ना पेंडुलम की तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये बॉबर हो गया। तो मैंने बताया एल रॉड हो गया, वाई रॉड हो गया, बॉबर हो गया। ओ यस, दिस इज द मोस्ट एंशियंट, ये बड़ा काम का है। देखिए अभी अब गर्मी दिन आने वाले हैं, लो का वाटर लेयर बहुत जा रहा है नीचे, पानी निकलता ही नहीं, कहीं भी कुआं कर रहा है बोरिंग करवा ले, वहां पानी नहीं निकलेगा, कितनी परेशानियां होती हैं, आपके सारे पैसे बर्बाद। जैसे आपको अब बोरिंग करवाना है, आप जो उसके आते हैं गाड़ी पे बुलाए, वो पूरा बोर करेगा, बहुत लंबा फीट सपोज गहरा कर दिया, पानी निकला ही नहीं, आपसे पैसा लेगा, तो वो पानी निकले कहाँ पर, हम बोरिंग कराएं जिससे पानी निकले। इसके लिए नारियल बड़ा एंशियंट, इसे क्या करते हैं ऐसे ऐसे हाथ में रख लेते हैं ऐसे, देखिए ऐसे, और चलते हैं, सपोज आपका कोई खेत है खलिहान है जहां पे आपको बोरिंग कराना है, तो ऐसे हाथ में रख लेंगे और आपको चलना है, जहां चलेंगे ना तो ये वाला ऐसे खड़ा हो जाए, ऐसे खड़ा हो जाए, ये सच में ऐसे खड़ा हो जाता, अभी तो ऐसे में रख रहा हूँ ना, बट जब इसको ऐसे लेके चलेंगे जहां पे इसके नीचे जहां पे उसको वाटर का लेयर मिलेगा तो बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाएगा। ये सब आपको मैं सिखाऊंगा सारे अलग अलग कोर्स से। तो यस, और ये देखिए कहना धीरे धीरे जमाना एडवांस होते गया ना, ये कैसा लग रहा है, ये भी है डॉजिंग का एक टूल से, देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ इसको जूम करके, ये देखिए ये है राइट, देख रहे हैं डॉज, अच्छा ये मिरर किया हुआ है, तो आपको जो लिखा हुआ है वो, एक सेकेंड इसको मैं सही करके दिखाता हूँ जिससे आपको इसकी राइटिंग सही दिखे। यस, अब आप पढ़ पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, मे बी, डेफिनेटली, नो वे, और इधर ट्राई अगेन, आस्क अ फ्रेंड, यस नो, ऐसे। तो इसमें क्या है, इसमें हाथ ये ऐसे मूव करता है खुद से राइट। चलिए अब इससे भी एडवांस मैं बता रहा हूँ, ये है प्योर फिजिक्स, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा फिजिक्स के लैब में, देखिए आपको ये मैं पूरा दिखाता हूँ, ये देखिए इतना ऊंचा है ये ऐसे राइट, लंबा पूरा ऊंचा होता है अच्छा हाइट का, ये शुरुआत इसका यहाँ से है, ये बंधा हुआ, इसको देखिए ऐसा, ये क्यों है, कई बार डॉजिंग में कहते हैं अच्छा आप हाथ में पकड़े तो आप खुद से घुमा रहे होंगे,
अब यहाँ पे इसको हम लोग को टच भी नहीं करना, देखिए प्रॉपर स्टैंड में लगा हुआ है, और ये इसका बड़ा सा हेवी, बहुत हेवी रहता है पूरा, ठोस से अंदर भी ठोस है वो, खोखला नहीं है, और ये मूव करता है देखिए। आपको से तो इट्स प्योर फिजिक्स ना, एक्चुअली ये भौतिक विज्ञान के प्रयोगशाला में यूज करते हैं, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं ना स्टडी ऑफ पेंडुलम, तो ये वही है, राइट? यस, चलिए ऐसे रहता है पूरा। इस पे जो काम कर लिया वो एक्चुअल पेंडुलम डॉजिंग का काम करेगा। और अब और चीजें मैं दिखाता हूं, ये क्या है, ये है आजकल का मॉडर्न, इसे कहते हैं स्कैनर, राइट? स्कैनर। अब इतना ही नहीं, इस स्कैनर के साथ में पूरा बॉक्स आता है, ये वाला बॉक्स देखिए, एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ऐसे ये पूरा ये बॉक्स आता है। सोच रहे हैं कि बॉक्स में है क्या, मैं दिखाता हूँ, इसमें पूरा अलग अलग होता है, आपको क्या करना है, चक्रा को स्कैन करना है, इसको भी स्कैन करना होता है, इसको यहाँ पे देखिए इसमें ऐसे आगे लगाते हैं दोनों में, देखिए ऐसे, फिर इससे इसको हम स्कैन करते हैं ऐसे लगा के, राइट? तो इसमें किस चीज को स्कैन करना है, इसीलिए इस डब्बा में पूरा रहता है। आई इसको भी आपको मैं दिखाता हूँ, कैमरा में प्रॉपर करता हूँ, ये देखिए ये पूरा बड़ा सा डब्बा है ना, इसमें देखिए इसमें लिखा मिलेगा क्या क्या है, चक्राज का है, ग्रहों का है, सारा कुछ। चलिए मैं किसी को आपको जूम करके दिखाता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं ना, यू माइनस और प्लस भी है, माइनस यू भी प्लस भी, ये सब नेगेटिव एनर्जी को चेक करने के लिए करते हैं, रंग के लिए, चक्राज के लिए, ग्रहों के लिए, ये पूरा सारा ऐसे रहता है। इन्फ्रारेड IR लिखा हुआ है, IR देखिए, जूम करके आपको दिखेगा IR, माइनस ये है ना IR, अब आपको दिख रहा है IR, ऐसे बहुत सारे देखिए लंबा पूरा, ये देखिए अब पूरा आपको डब्बा दिख रहा, सारे अलग अलग होते हैं, तो इसको जो भी चेक करना है इसका अलग से कोर्स है, इसे कहते हैं स्कैनर। इसको कौन कौन यूज करते हैं, वास्तु में इसका यूज करते हैं, ऑरा वाले यूज करते हैं, चक्राज वाले यूज करते हैं, क्रिस्टल्स में इसका बहुत प्रयोग होता है, ये सारा। अब इस डॉजिंग का जो यूज करने कुछ और भी टूल्स का हम प्रयोग करते हैं, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये क्या है, सपोज यदि आप कहीं पे गए हैं पानी के लिए, एक बड़ा सा बहुत बड़ा एरिया है, आपको डिस्टेंस मीटर करने के लिए साथ में रखेंगे तो आपको इससे हेल्प मिले, ये क्या है, लेजर मीटर है, ऐसे राइट, जितना दूरी पे रहे उसका पॉइंटर होगा, राइट? देखिए पॉइंटर है ना ऐसे, ये डिस्टेंस यहाँ पे दिखा देगा। क्यों यूज करेंगे, सपोज आप कहीं गए हैं वाटर का पता करना है, तो डिस्टेंस मेजरिंग के लिए यू कैन यूज दिस। कहीं भी आप किसी घर में डॉजिंग करने के लिए गए हैं, यदि सच में वहां पे नॉर्मली नहीं होता है, बट सच में यदि कोई पैरा नॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है तो आपको कोई दिक्कत ना हो, तो पहले आप उसी को चेक कर लेंगे। इसके बारे में जानते हैं, इसे बोलते हैं K2 मीटर है, इसे कहते हैं घोस्ट मीटर, साइंस की भाषा में है EMF, EMF मीटर। एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए सब चीजें एक्यूरेसी के लिए, ऐसे करने क्या, तो सिंपल रिंग पहने हैं, रिंग निकाली, धागा बांधी, यू कैन स्टार्ट डॉजिंग, बट एक्यूरेसी के लिए अब आप जहां पे आप करेंगे तो आप प्रयास कीजिए कि आपका नॉर्थ ईस्ट में आप बैठे, ये सब प्योर साइंस है, ये
ये आपकी एक्यूरेसी मैटर करने के लिए सारा काम करना है। तो क्या है कंपासेस, तो आप डॉजिंग जहाँ करें तो आपका फेस नॉर्थ में हो, नॉर्थ में आप बैठें, इससे आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। तो ये आज आपको मैंने दिखाया डॉजिंग, केवल पेंडुलम डॉजिंग नहीं, एल रॉड डॉजिंग, वाई रॉड डॉजिंग, बॉबर डॉजिंग, स्कैनर, ये सारा। यदि आपको पेंडुलम डॉजिंग सीखनी है तो ऑलरेडी यूट्यूब पर मेरे क्लास दिए हुए हैं, उसके रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, बेसिक पेंडुलम डॉजिंग का कोर्स उसमें आप कर सकते हैं। यदि आपको एडवांस कोर्स करना है, सभी लोग ना करेंगे जो प्रोफेशनल नहीं, उन्हीं के काम का होगा एडवांस डॉजिंग, वो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 3990463463। लेट मी रिपीट, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 3990463463। तो यदि आपको पेंडुलम डॉजिंग सीखनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, नंबर तब याद हो ही गया होगा, 3990463463, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है, अगले क्लास में हम फिर कुछ नए कोर्स की बात करेंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार।